नमस्ते स्टूडेंटो, वापस से अपन अवकलन चैप्टर नंबर 6 को आगे से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, सतत वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं। फलन दे रखा है इसकी x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बताया था मैंने, जो क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स इक्वल नॉट जीरो, इधर टू वैल्यू है, एक्स बराबर जीरो, इसको इक्वेशन नंबर ए मानेंगे। पहली लाइन लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर सतत की जांच, सतत बोल दो या सांतत्य बोल दो, वैसे होता है x बराबर a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे जीरो। इसके हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले f ऑफ a की वैल्यू इस क्वेश्चन में जीरो है। अब समीकरण a, मतलब क्वेश्चन के पास जाएंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीरो रखने पर क्या आएगा, दो आएगा, जीरो रखने पर कितना आ रहा, टू, और जीरो के अलावा जो रखेंगे उस पर ये है, तो अपन ने क्या रखा जीरो, तो इस पर आंसर आएगा टू, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो यानी एक। इसके बाद हम निकालते हैं RHL, RHL का मतलब जो होता है वो मालूम होगा आपको, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब दाईं सीमा, तो ये दाईं सीमा, इसका जो फॉर्मूला लिखवाया मैंने लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस एच, और a की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में वो देखेंगे, तो RHL a की वैल्यू रखी तो ये हो गया जीरो प्लस एच। अब क्वेश्चन को देखेंगे, जीरो प्लस एच मतलब जीरो में कुछ जोड़ा, जीरो से ज़्यादा, तो ज़्यादा हो या कम हो, इसके अंदर फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला फलन क्या बोल रहा है कि f के अंदर जो भी रखोगे वो आएगा साइन के साथ, डिवाइड में खुद आएगा, प्लस कॉस के साथ आएगा, तो यही काम इधर क्या रखा अपन ने, जीरो प्लस एच, तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन के साथ आएगा, डिवाइड में भी ये आएगा, फिर कॉस के साथ भी आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन जमाना, ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो गया साइन एच अपॉन एच प्लस कॉस एच, अब देखो लिमिट h की है और ये h वाले फलन है, तो लिमिट को अलग अलग कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच प्लस वापस से लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस एच, इस टाइप से अब यहाँ से ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आगे देखेंगे, इधर आगे देखेंगे, इसके अंदर देखो h की जगह पर अगर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो और इधर भी जीरो, इसका मतलब ये वाला जो है ये बन रहा है जीरो बटा जीरो। आगे देख लेंगे वहीं पे, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन h, ये क्या बन रहा है जीरो बटा जीरो रूप है, और सेकंड वाले में अपन रख सकते हैं h की जगह पे जीरो कॉस जीरो। अब ये जीरो बटा जीरो रूप है, तो मैंने बताया था जब भी जीरो बटा जीरो रूप आए तो DLH नियम लगाएंगे, DLH नियम से अब अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे h के सापेक्ष, तो राइट हैंड लिमिट h के सापेक्ष अवकलन। अब DLH नियम क्या बोलता है यहाँ से देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, DLH नियम क्या बोलता है कि अवकलन करो किसके सापेक्ष करो, लिमिट के सापेक्ष,
लेकिन ऊपर वाले का ऊपर अवकलन करना है और नीचे वाले का नीचे अवकलन करना। साइन का अवकलन क्या होगा, एच के सापेक्ष कॉस होगा और एच का एच के सापेक्ष अवकलन वन होगा। तो आंसर हर का अलग अलग अवकलन करना है। और इधर अपन को मालूम है कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। अब देखो इसके अंदर जीरो रख सकते हैं क्योंकि जीरो रखने पर डिवाइड में जीरो नहीं आ रहा, मतलब जीरो बटा जीरो नहीं आ रहा, तो रख सकते हैं। तो कॉस जीरो प्लस वन, अब यहाँ देखेंगे आर एच एल, कॉस जीरो का मान एक, इसका मान भी एक, एक और एक दो, ये समीकरण नंबर दो आर एच एल आ चुका। तो आर एच एल आने के बाद अब कैलकुलेशन किसके करेंगे, एल एच एल की। तो एल एच एल की कैलकुलेशन देखो, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, बाईं सीमा। इसका जो फॉर्मूला है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू पुट करी तो इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू है जीरो, जीरो माइनस एच। अब वापस क्वेश्चन के पास जाएंगे, समीकरण ए को देखेंगे, तो क्वेश्चन के पास गए, यहाँ से चेक किया तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला फलन, फर्स्ट वाले फलन में रखेंगे क्योंकि सेकंड वाले में तो केवल जीरो पर ही है, फर्स्ट वाले में रखेंगे तो ये जो रखा है ये साइन के साथ आएगा, तो क्या रखा है जीरो माइनस एच, डिवाइड में ये खुद आएगा और प्लस में ये कॉस के साथ आएगा। अब अगली स्टेप जो है तो ये हो गया साइन एच डिवाइड में एच प्लस एच नहीं माइनस एच, और कॉस में भी माइनस एच और डिवाइड में भी माइनस एच। अब साइन में माइनस का क्या होता है, यह आपने पढ़ा होगा पहले, साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा तो ये होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस में माइनस गायब हो जाता है और साइन में माइनस बाहर आता। फिर इस साइड देखेंगे, इसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन की, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच, और लिमिट को अलग अलग भी कर लिया हमने, प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एच, ये कॉस का माइनस कहाँ गया मालूम होगा। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सा रूप है, जीरो बटा जीरो रूप है, रख के देख लेना, प्लस इधर हो जाएगा कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू हम जानते हैं और जीरो बटा जीरो रूप में क्या लगता है, डी एल एच नियम से, तो डी एल एच नियम लगेगा। तो यहाँ पे डी एल एच नियम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एच के सापेक्ष, एच के सापेक्ष अवकलन किया और डी एल एच नियम के अनुसार किया, तो डी एल एच नियम बोलता है कि ऊपर वाले का ऊपर अवकलन हो गया, नीचे वाले का नीचे, तो साइन का अवकलन कॉस और एच का अवकलन वन। फिर कॉस जीरो का मान एक होता, यहाँ पे वापस से अपन ने जीरो रखा तो ये कॉस जीरो प्लस वन। कॉस जीरो का मान एक होता है प्लस वन एल एच एल, ये हो गया टू, समीकरण नंबर तीन। अब समीकरण एक दो और तीन को देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक दो और तीन से, समीकरण एक दो तीन से क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ ए बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल है, ये तीनों आपस में बराबर है, अतः फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु x बराबर जीरो पर क्या है, सतत है। ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसकी भी x बराबर जीरो पर सांतत्य का परीक्षण करना। अब यहाँ पर भी वही है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे,
क्वेश्चन लिखा, मैंने बताया था क्वेश्चन को समीकरण नंबर ए डालना। इसके बाद वो लाइन लिखनी है एक्स बराबर जीरो पर सतत की जांच। एक्स बराबर जीरो, जबकि फॉर्मूले में एक्स बराबर ए होता है, तो इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू कितनी है? जीरो। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले एफ ऑफ ए, ए की वैल्यू जीरो। अब समीकरण ए पर जाएंगे, समीकरण ए के अनुसार क्या होगा कि नॉट इक्वल जीरो पे फर्स्ट वाला और इक्वल जीरो पे सेकंड वाला। सेकंड वाले के अनुसार यहाँ पे जीरो वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ ए। उसके बाद क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट, मतलब दाईं सीमा। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की वैल्यू पुट करो इस क्वेश्चन की, ए की वैल्यू है जीरो, तो जीरो प्लस एच। अब समीकरण ए को देखते हुए, समीकरण ए के अनुसार जीरो प्लस एच, यानी जीरो में कुछ जोड़ा, जीरो में कुछ जोड़ा तो जीरो से ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा हो या कम हो फर्स्ट वाला फलन है, तो फर्स्ट वाले फलन के अकॉर्डिंग चलेंगे आगे, जो भी रखोगे वो टेन के साथ आएगा। यही बोल रहा है फलन, एक्स रखा है एफ में तो टेन एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी टेन के साथ भी और साइन के साथ भी डिवाइड में। अभी क्या रखा? जीरो प्लस एच, तो टेन जीरो प्लस एच डिवाइड में साइन जीरो प्लस एच। अब जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो ये हो जाएगा टेन एच अपॉन साइन एच। अब इसके अंदर देखो एच की जगह जीरो रख के देखेंगे तो टेन जीरो, टेन जीरो का मान जीरो और साइन जीरो इसका मान भी जीरो, तो यहाँ भी क्या बन रहा है? जीरो बटा जीरो। तो जीरो बटा जीरो या अनंत बटा अनंत, जो भी रूप बने, तो डी एल एच नियम लगाते हैं। तो ये रूप कब बनेंगे? जब डिवाइड में कोई संख्या होगी, जैसे यहाँ है, इससे पहले वाले में भी थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डी एल एच नियम से, डी एल एच नियम से अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन किया? एच के सापेक्ष, यानी जिसकी लिमिट होगी उसके सापेक्ष, लिमिट एच की है तो एच के सापेक्ष। डी एल एच नियम क्या बोलता है कि ऊपर का ऊपर अवकलन, तो टेन का अवकलन क्या होता है? सेक, एच के सापेक्ष कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर एच हो गया, और साइन का क्या होता है? कॉस। अब देखो इसके अंदर, अब अगर अपन जीरो रखें तो सेक जीरो का मान वन होता है और कोस जीरो का मान भी वन होता है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, तो ठीक है तो रख दिया। तो सेक स्क्वायर जीरो अपॉन कॉस जीरो, यहाँ से आया वन अपॉन वन, तो ये आएगा वन। तो यही, इसी को बोल देंगे समीकरण नंबर दो। ये तो आया आर एच एल, यहीं से मालूम पड़ रहा होगा कि ये और ये बराबर नहीं है, मतलब सतत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे? अब एल एच एल निकालेंगे। तो एल एच एल के लिए इन करना पूरा पड़ेगा, तीनों चीज़ निकालनी है, मालूम तो पड़ रहा। एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ए की वैल्यू पुट करी इस क्वेश्चन के लिए तो जीरो माइनस एच। अब समीकरण ए के पास जाएंगे, समीकरण ए क्या बोलती है कि जो भी रखोगे वो टेन के साथ आ जाएगा और डिवाइड में साइन के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो का कोई मतलब नहीं है, टेन माइनस एच और साइन माइनस एच। अब टेन में और साइन में माइनस का क्या होता वो देखेंगे। तो यहाँ बता देंगे पहले कि टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। तो एल एच एल लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टेन एच डिवाइड में माइनस साइन एच, माइनस से माइनस गया और जीरो रख के चेक किया तो ये हो गया जीरो बटा जीरो रूप। यहाँ भी जीरो बटा जीरो रूप है, तो क्या लगाएंगे?
डीएलएच नियम से अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एच के सापेक्ष। तो एच के सापेक्ष अवकलन वो भी डीएलएच नियम से, क्योंकि लिमिट एच की है तो एच के सापेक्ष, लिमिट वाई की होती है तो वाई के सापेक्ष ही होती है तो एक्स के सापेक्ष। तो टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एच और साइन का अवकलन होता है कॉस एच। अब इसमें चेक करेंगे रख के, तो ये हो गया सेक स्क्वायर जीरो अपॉन कॉस जीरो, वन अपॉन वन वन। ये समीकरण नंबर तीन। अब समीकरण एक दो और तीन को देखेंगे। एक मिनट, एक प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन लिखने में होगी। यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी वन आएगा, और समीकरण एक में जो एफ ऑफ जीरो निकाला था अपन ने, ये दोबारा देख लो, ये भी कितनी आएगी वैल्यू, वन। तो उसको सही कर लेना। अब यहाँ बताएंगे आता एक दो और तीन से एफ ओफ ए बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल है। ये तीनों जब बराबर हों तो क्या लिखेंगे आता, फलन एफ ओफ एक्स बिंदु एक्स बराबर जीरो पर क्या है, सतत है। धन्यवाद।